दोस्तों, अगर आपका फ़ोन PTA से रजिस्टर्ड नहीं है एंड आप लोग टैक्स भी नहीं भरना चाहते, क्योंकि आजकल आपको पता है कि हर फ़ोन पे कम से कम दोस्तों 5,000 से 7,000, 8,000 तक भी टैक्स जो है वो पे करने पड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसका एक अल्टरनेटिव बताता हूँ। एक कोड आपने डायल करना है एंड उसके बाद आपको पता है कि आप लोग फ्री में बिना कोई एक रुपया खर्च किए आप लोग अपना फ़ोन रजिस्टर कर सकते हो। असल में दोस्तों, लोग जो है वो फ़ोन रजिस्टर्ड करने के भी पैसे ले रहे हैं एंड आपको टैक्स जो है वो अलग से पे करना पड़ रहा है। तो आप लोग खुद जो है वो फ्री में ये चीज़ कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन को PTA के साथ, अगर आपके पास पासपोर्ट है, क्योंकि पासपोर्ट पे आपको पता है कि एक फ़ोन जो है वो फ्री में रजिस्टर हो रहा है। तो कैसे करना है, सिर्फ एक कोड डायल करना है, वो हम इस वीडियो में चल के देखते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें एंड साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें एंड इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक जो है वो दोस्तों आपने ज़रूर करने हैं। यहाँ पे क्लिक करके दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, ये बटन आपको मिल जाता है, इस बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आगे भी इस तरह की जो अपडेट्स होगी वो मैं आपको देता रहूँगा। अब सबसे पहले दोस्तों आपने करना क्या है, देखें आपने करना है इस टाइटल पर क्लिक, नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके दोस्तों आपने सबसे पहले तो अपने फ़ोन का स्टेटस जो है वो चेक कर लेना है। अगर दोस्तों आपने चेक किया हुआ है तब भी ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक दफ़ा फिर आप चेक कर लें ताकि आपका फ्रेश स्टेटस जो है वो आपको पता लग जाए कि आपका फ़ोन का फ्रेश स्टेटस क्या आ रहा है, मोबाइल आपका रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, एक कोड डायल करना है। डायलर में आने के बाद दोस्तों आपने डायल करना है *8484 एंड उसके बाद हैश, लेकिन इस कोड से पहले दोस्तों आपने अपना फ़ोन का IMEI नंबर जो है वो मालूम कर लेना है। अब जैसा कि वो कैसे करते हैं, देखिए वो भी सिंपल है, *#06 एंड उसके बाद आपने ये हैश डायल करना है, तो आपका IMEI नंबर जो है दोस्तों ये यहाँ पे शो हो जाएगा। आपने क्या करना है, इन नंबर्स को आपने लिख लेना है कहीं पे या कॉपी कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पे हम वो कोड जो है दोस्तों मैं वो कोड दोस्तों डायल करता हूँ, ये वाला, आपने भी यही वाला कोड डायल करना है। दोस्तों एक सिंपल सा प्रोसेस है, आप लोग अपने पैसे जो है दोस्तों वेस्ट ना करें, किसी को जाके ना कहें कि आपका मोबाइल जो है वो रजिस्टर कर दें, क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। तो अब ये कोड डायल करने के बाद आपने जो है यहाँ पर क्लिक करना है एंड उसके बाद देखें, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आगे तो कुछ भी नहीं करना। ये देखें, फर्स्ट नंबर पर आपको मिल जाता है रजिस्टर मोबाइल डिवाइस, नीचे भी जो है आप रिक्वेस्ट डिलीट कर सकते हैं और भी चीज़ें हैं। देखें सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 इस पर क्लिक करता हूँ एंड देखें मैं जो है रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। अब देखें यहाँ पे आता है प्लीज़ 1 ऑफ, यहाँ पे आपने मतलब सेलेक्ट करना है। अगर दोस्तों आप पाकिस्तानी हैं, मतलब आप लोग जो है बाहर से फ़ोन लाए हैं, तो आपने क्या करना है, देखें फर्स्ट है तो आपने करना है यहाँ फर्स्ट पर क्लिक। तो कोई भी दोस्तों फ़ोन हो वो आप, अगर आप यहीं से लिया है लेकिन अगर आपका वो रजिस्टर नहीं है तो डोंट वरी, आप लोग इस मेथड से वो भी कर सकते हो। फर्स्ट पे क्लिक करके आपने दोबारा जो है सेंड करना है एंड उसके बाद देखें फर्स्ट है इंटरनेशनल ट्रैवलर, मतलब फर्स्ट फ्री डिवाइस, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल। दूसरा जो है 4 अदर इन कैलेंडर ईयर, मतलब एक साल में यूँ समझे कि दोस्तों आप सिर्फ एक डिवाइस एक पासपोर्ट पे फ्री में रजिस्टर कर सकते हो। आई होप कि आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी। चलें उसके बाद मैं जो है फर्स्ट पे क्लिक करता हूँ एंड देखें उसके बाद मुझसे क्या मांगता है। अब देखें यहाँ पे दोस्तों आपने जो है अपना पासपोर्ट नंबर देना है, उसके बाद आपने सेंड कर देना है। पासपोर्ट नंबर के बाद आपसे पूछेगा आपका CNIC नंबर, मतलब आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, वो देना है। उसके बाद आपका नाम वगैरह, बस 2 मिनट के अंदर दोस्तों आपका मोबाइल जो है वो आप रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा कि आपको PTA की तरफ से मैसेज आ जाएगा कि इस पासपोर्ट पे आपका फ़ोन जो है वो रजिस्टर होने की जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो गई है। बस दोस्तों यही प्रोसेस है, यही कोड है, अपना आप एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो ना करें, बहुत ही सिंपल सा मेथड है, खुद रजिस्टर कर लें। तो अगर आपको दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा एंड जो स्टेटस मालूम करने के लिए जो चीज़ है वो कोड से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे जो है वेबसाइट से भी कर सकते हैं। यहाँ पे IMEI नंबर जो है दोस्तों वो फाइंड करना है आपने एंड एक और बात दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो 2 IMEI नंबर वाले फ़ोन हैं, मतलब डुअल सिम वाले फ़ोन हैं, आपने दोनों नंबर लिखने हैं। उसके बाद आपसे आगे IMEI नंबर भी पूछेंगे उस कोड में, तो आपने वो भी दे देना है। टेंशन नहीं लेनी दोस्तों आपने, अगर आपको कोई मसला पेश है तो इस वीडियो के नीचे आपने मुझे कमेंट करना है एंड मैं आपको गाइड कर दूंगा।
तो ये है दोस्तों मेथड जिसकी मदद से आप लोग पीटीए के साथ अपना फ़ोन जो है वो रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपको कोई इशू आया या आपका कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से तो आपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।